नमस्कार, कैसे हैं आप? कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और सोनिया गांधी के सपने, जिसे वो भारत का सपना बनाना चाहती हैं। राहुल गांधी अक्सर विदेश यात्रा पर रहते हैं, जबकि कांग्रेस उन्हें अपना प्रधानमंत्री का उम्मीदवार मानती है। भले ही वो अध्यक्ष के पद पर रहे ना रहे, भले उन्होंने कभी जिम्मेदारी ली या ना ली, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी के अघोषित सुप्रीमो हैं। भले ही मल्लिकार्जुन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन सर्वे सर्वा राहुल गांधी ही हैं। 2019 में राहुल गांधी को उनके खैरातियों ने सपना दिखा दिया था कि वो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। वो सपना टूटा तो उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद की कुर्सी छोड़ दी और विदेश यात्रा पर चले गए। राहुल अक्सर विदेश यात्रा पर होते हैं। जब शीला दीक्षित की आकस्मिक जब मौत हुई, मुख्यालय में शीला दीक्षित की बॉडी लाई गई तो लोग राहुल गांधी को ढूंढ रहे थे। हम लोग उस समय कांग्रेस पार्टी की रिपोर्टिंग करते थे। लोग राहुल गांधी को ढूंढ रहे थे, राहुल कहां है, राहुल कहां है। अभी अभी तो लोकसभा चुनाव खत्म हुआ था और उसके बाद राहुल विदेश यात्रा पर ही थे। फिर पता चला कि राहुल इसीलिए नहीं है कांग्रेस मुख्यालय में क्योंकि वो भारत में ही नहीं है। अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस जब कांग्रेस पार्टी की होती थी तो राहुल गांधी को ढूंढा जाता था कि फलाना मुद्दे पर राहुल गांधी का रिएक्शन होना चाहिए, तो बताया जाता था कि राहुल गांधी अपनी निजी यात्रा पर हैं। अक्सर राहुल गांधी से विदेश से एक वीडियो जारी करवा दिया जाता था कि राहुल गांधी का यह बयान है, लेकिन लोग समझ जाते थे कि राहुल देश में नहीं है। राहुल अक्सर विदेश यात्रा पर निकल जाते थे तो लोग कैजुअली कह देते थे, अरे बैंकॉक गया है, मौज करने गए हैं राहुल गांधी, इटली गए हैं, नानी के यहां गए हैं। लेकिन अब धीरे धीरे आम आदमी से मजाक में ले रहे थे, लेकिन सरकार की नजर टेढ़ी पड़ती जा रही थी, खास करके पिछले दिनों राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा से। राहुल गांधी जब अमेरिका यात्रा पर थे तो उनकी तस्वीर वायरल हुई जॉर्ज सोरेस के सहयोगी के साथ, जो भारत की तबाही चाहती है। लेकिन अब ये बात तो पुरानी हो गई। राहुल गांधी की एक गुप्त धारा अब की बार खेल हो गया। दरअसल राहुल ऐसे समय में विदेश दौरा पर थे और किसी को जानकारी नहीं थी। कान तब खड़ा हुआ जब तेलंगाना के मामले पर कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस पार्टी की बैठक हो रही थी। तेलंगाना मामले पर कांग्रेस की बैठक हो रही थी और उस बैठक में राहुल गांधी नहीं थे। जो व्यक्ति अपने आप को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार मानता हो, वह व्यक्ति उस बैठक में नहीं था। तेलंगाना में चुनाव हो रहा है और उस चुनाव के अवसर पर कांग्रेस मुख्यालय में जब राहुल गांधी नहीं थे तो यह खबरें घूमने लगी कि आखिर इतना गंभीर मामला, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव हो रहा है, राहुल गांधी गायब कहां है। कांग्रेस मुख्यालय से ये बात चुपके से बाहर निकली, भारत सरकार की खुफिया विभाग तक पहुंची, डोभाल टीम तक पहुंची, तो पता चला गया, किया गया कि राहुल गांधी भारत से बाहर हैं। उनका पासपोर्ट और ये तमाम चीजें देखा गया तो राहुल गांधी उज्बेकिस्तान गए हुए हैं, ऐसी जानकारी गुप्त तरीके से मिली। सरकार ने पूरी योजना बनाई और फिर किस फ्लाइट से राहुल लौट रहे हैं इसकी जानकारी मिली और एक तस्वीर जो सामने आई उसने सबको चौंका दिया। राहुल गांधी दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए देखे दिखे और एएनआई का कैमरा उनके सामने था। एएनआई का कैमरा देखते ही राहुल गांधी चौंक गए, राहुल गांधी परेशान हो गए। आखिर एएनआई का कैमरा क्यों है और राहुल गांधी अपने आप को छुपने छुपाने लगे। देखिए, एक सामान्य तरह से उनकी एंट्री हो रही है और जो ही राहुल गांधी, देखिए राहुल गांधी ने अपना चेहरा छुपाया, मोबाइल पे लग गए और ऐसा लगा कि राहुल गांधी को यह लग गया कि इस बार चोरी पकड़ी गई। राहुल गांधी इंडियन एयरपोर्ट से जब दिल्ली के एयरपोर्ट पे दिखाई दिए तब भी ये मामला गुप्त था। देखिए, बिना नंबर की गाड़ियां इनकी है और इस तस्वीर के में से ये साफ लग रहा है कि जब कुछ पता ही नहीं है, जब मीडिया को कोई खबर ही नहीं है, राहुल गांधी कहां से आ रहे हैं। राहुल गांधी के चेहरे पर आप देखिए भाव,
चेहरे पर उनकी छटपटाहट परेशानी आपको साफ नजर आ जाएगी। राहुल गांधी जब गाड़ी में बैठ रहे हैं उनकी परेशानी आपको साफ तौर पर नजर आ जाएगी। जरा फिर से इसको देखिएगा, राहुल गांधी निकल रहे हैं बाहर और उनके चेहरे के भाव देखिए, वो यूं यूं कर सकते थे, पॉलिटिशियन हैं, हाथ दिखाते कैमरे को देखते ही वो ऐसे कर सकते थे, लेकिन राहुल गांधी की हवाई गुल होती हुई आपको दिखाई दे रही है, आपको चेहरे पर एक परेशानी, क्योंकि कैमरा देखते नेता यूं करने लगता है। और राहुल गांधी को आप देखेंगे, इस तस्वीर में आप देखिए राहुल गांधी को, तो आपको साफ समझ आ जाएगा कि राहुल की परेशानी, राहुल लगातार जो है वो परेशान दिख रहे हैं। उनके चेहरे के भाव को यदि आप देखिए तो किस तरह से वो उनके चेहरे पर जो भाव है वो एकदम से उनकी परेशानी को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये साफ लग रहा है कि राहुल कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के परेशान है कि कैमरा कैसे आ गया, ये कैमरा कैसे दिखने लगा। और इस पूरी एक एक फ्रेम को देखिए, यदि टूटता हुआ फ्रेम कई बार आपको शायद किसी ढंग से इंटरनेट की परेशानी होगी, इस पूरे फैक्ट से आपको समझ में आ जाएगा कि राहुल गांधी ने अपने आप को छुपाने की कोशिश की, बचाने की कोशिश की, लेकिन राहुल कैमरे से बच नहीं पाए। एक पॉलिटिशियन आमतौर पर यूं कर सकता था, राहुल गांधी ने ऐसा क्यों नहीं किया? दरअसल सरकार को यह पता चला कि राहुल इस समय उज्बेकिस्तान की यात्रा पर है। उज्बेकिस्तान कहां है? सोवियत संघ से खंडित वो मुस्लिम इलाका जो अफगानिस्तान के आसपास का जो इलाका है, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये तमाम वो मुस्लिम देश हैं जहां से माना जाता है कि इसी इलाके से मुगलों की एंट्री हुई थी। ये जो आप सऊदी अरब और ये सोचते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, जहां से जो ये इन सब की एक गुप्त इन लोगों का एक कॉन्फ्रेंस बताया जा रहा है वहां हो रहा था। राहुल गांधी वहीं थे और राहुल ये तब वहां थे जब कतर में भारत के 8-9 सेना अधिकारियों को सजा हुई, फांसी की सजा। उस समय राहुल गांधी मुस्लिम यूनियन देशों के इस बैठक में शामिल थे। ये निश्चित रूप से चौंकाने वाला है और इसीलिए सरकार एक एक करके इस चीज पर गौर कर रही है कि आखिर राहुल उस गुप्त दौरे पर क्यों थे, राहुल गांधी ने इसकी जानकारी भारत सरकार को क्यों नहीं दी थी, ये गुप्त दौरा कौन सा ननिहाल चले गए थे, राली कौन सा नानी से मिलने चले गए थे राहुल गांधी। पहले तो नानी से मिलने का भी बहाना होता था, बड़ा मजाक में सुरजेवाला कहा कर दिया करते थे कि नानी से मिलने गए हैं, अब तो नानी भी नहीं रही तो मामा मामी से मिलने जाते होंगे, लेकिन वो इटली नहीं, उस समय मजाक उड़ा दिया करता था। और हम लोग जैसे लोग भी कहते थे कि राहुल गांधी नानी गांव चले गए, कैजुअली लिया था, मसाज कराने बैंकॉक चले गए हैं। लोग मजाक में राहुल गांधी को हमेशा मजाक का पात्र समझते थे, तो मजाक की ही बातें करते थे। लेकिन भारत सरकार को पिछले दिनों जब राहुल अमेरिका यात्रा पर थे तो राहुल गांधी के चरित्र से ऐसा लगने लगा कि राहुल गांधी जो खेल करते हैं वो दरअसल अक्सर उनका खेल भारत विरोधी होता है। इसीलिए राहुल गांधी के इस खेल को लेकर के ये कहा जाने लगा कि राहुल तुरंत इस पूरे मामले की जांच की जाए। अब आपको याद होगा कि पिछले दिनों स्मृति ईरानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। राहुल गांधी के इस वीडियो को देखने के बाद आप देखेंगे कि राहुल गांधी का पिछले दिनों जो है उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह पाया गया कि राहुल गांधी ऐसे ऐसे लोगों से मिल रहे हैं, ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जो भारत विरोधी। अब इन भारत विरोधियों से राहुल गांधी जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, राहुल गांधी आखिरकार उन लोगों से क्यों मुलाकात कर रहे हैं, ये तमाम चीजें सामने आई तो पता चला कि राहुल गांधी की जो मुलाकात है, राहुल गांधी जिन लोगों से मिलते हैं वो सबके सब, संभवतः मैं साझा शायद यूट्यूब पे नहीं, आपने देखा होगा कि राहुल गांधी का एक स्मृति ईरानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और स्मृति ईरानी के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सामने आया था कि राहुल गांधी जिससे मुलाकात करते हैं, जिस किसी से मुलाकात करते हैं वो अक्सर भारत विरोधी लोग हैं। इसमें सामने आया था सुनीता विलियम्स का कि सुनीता विलियम्स जो हैं वो सॉरी सुनीता विलियम्स कह रहा हूं कि सुनीता जो जॉर्ज सोरेस की जो से संबंधित है वो सुनीता विश्वनाथन की तस्वीर सामने आई थी कि कैसे राहुल गांधी सुनीता विश्वनाथन के साथ जुड़े हुए थे और राहुल गांधी सुनीता विश्वनाथन जो जॉर्ज सोरेस के लिए काम करती है उनकी मुलाकात अमेरिका में हुई
और अमेरिका में वो सुनीता विश्वनाथन से मिले। आखिर उसी समय से भारत सरकार ने अपने आप को इस पूरे मामले में इसे बहुत बहुत गंभीरता से लिया कि आखिर राहुल गांधी इस तरह की हरकतें क्यों करते हैं और क्यों ऐसे ऐसे लोगों से वो मिलते हैं जिसका जो जो भारत विरोधी एजेंडा चला रहे हैं और जो मोदी के खिलाफ खुल करके एजेंडा चला रहे हैं, ऐसे लोगों से राहुल गांधी की मुलाकात क्यों होती है। इन तमाम चीजों को बहुत बहुत गंभीरता से देखा गया। आपको याद होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुनीता विश्वनाथन की तस्वीर दिखाई गई थी और सुनीता विश्वनाथन के साथ राहुल गांधी दिखाई दिए थे। उस मामले में पाया गया कि सुनीता विश्वनाथन जो है वो जॉर्ज सोरेस के लिए काम करती है और जॉर्ज सोरेस जो है वो और वो वुमेन्स फॉर अफगान नामक एक एनजीओ है, उस बहुत सारे देशों में अस्थिरता लाने के लिए ये सुनीता विश्वनाथन का काम चल रहा है। उसके बाद पता चला कि राहुल गांधी इंग्लैंड चले गए, वहां वो फैबियो मैसियो और परवेज इकबाल से मिले जो जो आईएसआईएस से जुड़ा हुआ है और लगातार भारत विरोधी एजेंडा चला रहा है। पूर्ण बात यह है कि राहुल गांधी उज्बेकिस्तान क्यों गए, उस समय क्यों गए जब कतर में उसी समय भारत के 9 सैनिकों को फांसी दी गई। राहुल गांधी यदि ये निजी यात्रा है तो ऐसा क्यों है, तब आपको समझ में आएगा कि राहुल गांधी की ये निजी यात्रा अक्सर, जब मुझे याद है कि जब मैं कांग्रेस पार्टी की रिपोर्टिंग करता था अलग अलग टीवी चैनलों के माध्यम में, तो उस दौर में अक्सर जब ये बात उठती थी, खास करके 2019 के चुनाव के समय में जब राहुल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे, तो जब कांग्रेस पार्टी के राहुल अध्यक्ष हुआ करते थे उस दौर में एक पता चला कि राहुल गांधी कहां है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अक्सर करते थे तो पता चला राहुल गांधी, किसी को कानों कान खबर लग गई कि राहुल गांधी विदेशी यात्रा पर चले गए हैं, तो कंफ्यूजन ना हो तो कांग्रेस के जो सेवादार पत्रकार थे वो रणदीप सुरजेवाला को कहते, देखिए इस बात को आप ऑफिशियली बता दीजिए वरना गॉसिप होगा। तो सुरजेवाला कहते थे कि अपनी नानी की उनकी तबियत खराब है तो राहुल गांधी नानी से मिलने गए, अब इसे भाई नाना नानी से क्यों नहीं मिलने जाएगा, इस तरह की बातें कह करके अफवाह फैलाई जाती थी, इस अफवाह को रोकने की कोशिश की जाती थी। लेकिन तब तक बहुत कैजुअल लगता था। पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिकी यात्रा थी उस दौरान सुनीता विश्वनाथन से राहुल गांधी का मिलना, वो तस्वीरें जो है आपको लगातार दिखाई देती होंगी कि जब स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि कैसे सुनीता विश्वनाथन से उनकी मुलाकात हुई वहां पर और क्या प्लानिंग हुई। अब उसके बाद जो आईएसआई के लोगों के साथ मुलाकात तक एक खंगाला जाने लगा। आपको याद होगा पिछले दिनों नेपाल में पाया गया कि नेपाल में चीनी राजदूत के साथ थे, इस तरह की तस्वीरें भी वायरल हुई, खूब मजाक हुआ, हम लोगों ने उसको भी साझा किया था। तब आप पूरा पीछे का खंगाली ये थी, तो मैं देख रहा था दिसंबर 2020 में राहुल गांधी अपनी पार्टी के 136वें स्थापना दिवस के समय में गायब थे, कार्यक्रम छोड़कर के इटली निकल लिए थे ये बताया गया। उनकी पार्टी एक स्पष्टीकरण दी थी कि वो ननिहाल गए हैं, नानी से मिलने गए हैं। अक्टूबर 2019 में हरियाणा और महाराष्ट्र में मध्य विधानसभा चुनाव के 15 दिन पहले राहुल गांधी बैंकॉक के लिए रवाना हो गए थे। एक एक चीज देखिए, उसी साल जून में संसदीय चुनाव मतगणना से पहले राहुल गांधी यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में शामिल नहीं हुए। पता चला, ढूंढा गया कहां है राहुल गांधी, तो पता चला लंदन में। राहुल गांधी ये गुप्त यात्राएं करते थे तो कहा जाता था कि बड़ा कैजुअल अप्रोच है, इस आदमी को पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, राजा रजवाड़ा की तरह है, अय्याशी करता है। लेकिन अब धीरे धीरे जो चीजें आ रही है उससे लग रहा है कि मामला अय्याशी का नहीं है, ये सिर्फ बैंकॉक में मौज का नहीं है। नवंबर 2019 में भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी को उनके विदेश यात्रा पर विशेष सुरक्षा समूह एसपीएफ कर्मियों के साथ नहीं ले जाने के बारे में सवाल किए थे कि आप ऐसा क्यों करते हैं। तब आपको ध्यान होगा कि एसपीजी राहुल गांधी से छीन लिया गया। राहुल गांधी जब सबसे पहले और रूल के तहत छीना गया, इसलिए नहीं, जब सबसे पहले मनमोहन सिंह से दिया गया तो कांग्रेस ने हल्की सी आवाज आई, क्योंकि रूल ये बनाया गया कि पूर्व प्रधानमंत्री के पास 5 साल तक ही एसपीजी रह सकता है। 2019 में जब जब नरेंद्र मोदी वापस आए तो सबसे पहले इन्होंने ये काम किया कि मनमोहन सिंह की एसपीजी छीन ली गई, क्योंकि उनका 5 साल पूर्व प्रधानमंत्री हो गए, इस रूल के तहत छीन लिया गया। कांग्रेस पार्टी को इससे कोई मतलब नहीं कि मनमोहन सिंह तो उनके लिए घरेलू नौकर था राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए, कई वीडियो में फोटो में आप देख चुके होंगे। लेकिन उसके बाद रूल बना कि प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधानमंत्री
वो यदि 5 साल तक नहीं रह सकता तो पूर्व प्रधानमंत्री के परिजनों के पास कैसे रह सकता। तो एसपीजी छीन ली गई प्रियंका वाड्रा से, राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से, तो कांग्रेस ने बहुत बवाल किया। तो सवाल यह किया गया कि अक्सर राहुल गांधी एसपीजी का दुरुपयोग करते हैं, यहां से लंदन जाते हैं, लंदन तक तो एसपीजी होती है, लंदन के बाद वो बैंकॉक, इटली, कहां गुप्त दौरे पर चली जाती है, तो एसपीजी वापस आ जाती है, और फिर वो घूम करके जब इंडिया आते हैं तो उन्हें एसपीजी की जरूरत नहीं है। तो सरकार ने बड़ा कटाक्ष करके गृह मंत्रालय ने कह दिया कि इन्हें एसपीजी की जरूरत ही नहीं है, तो इनको एसपीजी क्यों दिया जाए। तब देश ने सोचा कि एसपीजी इनसे छीन लिया गया, बहुत अच्छा हुआ, ये बहुत रजवाड़े की तरह होती थी। राहुल गांधी से एसपीजी छीना गया तो राहुल गांधी ने इसका फायदा उठाना शुरू कर दिया। अब वो फ्री हो गए, एसपीजी की पूरी तरह से नजर होती है। एसपीजी छीनने के बाद राहुल गांधी को जेट प्लस सुरक्षा मिल गया, और उसके बाद वो जहां कहीं भी यात्रा अपना जो है वो फर्स्ट, जैसे जेट प्लस भी है तो लंदन यदि वो गए, उसकी उसका रूल होता है कि एक देश के अलावा दूसरे देश आप जाएंगे तो एसपीजी वापस, जो सुरक्षा कर्मी है वापस आ जाएंगे, जो जेट प्लस सुरक्षा है, सीआरपीएफ के जवान रहते हैं, बीएसएफ, इन लोगों के द्वारा पता चला कि अब सरकार इनको रूल के मुताबिक, आप उसके जो सुरक्षा कर्मी होते हैं उसको लेकर के भी सरकार उससे बहुत खुफियागिरी नहीं करा सकती, इसीलिए राहुल गांधी की बहुत सारी चीजें जानकारी नहीं मिली। लेकिन पिछले दिनों जब वो कांड करके आए, जब प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा से पहले वो थे, और उसके बाद याद होगा आपको कि खैराती पांडे जो है, बलात्कारी पांडे का भाई जो है, वो भी अमेरिका यात्रा पर था, और ये पूरा गैंग जो है वो अब साफ लगने लगा है, जिस तरह से न्यूज क्लिक का मामला सामने आया है, जब से न्यूज क्लिक के चीनी दलाल फंसे हैं तब से सरकार की नजर टेढ़ी हो गई, और उसके बाद अमेरिकी यात्रा के बाद तो राहुल गांधी पर नजर रखी जाने लगी कि वो कहां जाते हैं। तब पता चला कि अब की बार तो ये उज्बेकिस्तान यात्रा पर थे। उज्बेकिस्तान क्यों गए थे? अब सरकार का कोई किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का मामला होता तो अलग बात है। ANI जो है वो मीडिया रिपोर्टिंग, एक मीडिया संस्थान है जो दूसरे चैनलों को मीडिया उपलब्ध कराती है। ANI के पास कोई अपना चैनल नहीं है, लेकिन वो तमाम चैनलों को वीडियो उपलब्ध कराती है। अब YouTube के दौर में ANI का पास अपना चैनल है, ANI अपना वीडियो भी अपने YouTube पे डाल दिया करती है, तो एक तरह से अब इस स्वतंत्र पत्रकारिता के दौर में ANI को अब जरूरत नहीं रहेगा कि टीवी चैनल उसकी वीडियो को ले या ना ले, अब ANI उसको खुद भी YouTube पे डाल देती है। तो राहुल गांधी के विदेश यात्रा को किसी टीवी चैनल ने नहीं दिखाया, ANI ने अपने YouTube चैनल पे डाल दिया, वहां से लोगों को उठाना पड़ा, और लोग जो है वहां से उठा करके दिखाने लगे कि आखिर राहुल गांधी विदेश यात्रा पर क्यों गए, क्या गुप्त यात्रा पर कर रहे हैं, दुश्मन देशों की यात्रा पर। उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इन देशों के बीच जो चीजें हो रही थी उस समय में राहुल गांधी विदेश यात्रा पर क्यों थे? अब जानकारी के मुताबिक पूरी टीम डोभाल इसके पीछे लगी हुई है, और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है कि राहुल गांधी उज्बेकिस्तान की यात्रा पर क्यों गए थे, ऐसी जगह पर क्यों गए थे जो भारत विरोधी एजेंडा चला रहा है। अभी देखिए कि इजराइल हमास युद्ध में भारत ने खुल करके कहा कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, हम इजराइल के साथ हैं, मेरा स्टैंड क्लियर है, हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। ऐसे समय में कांग्रेस ने अपने आप को इजराइल के खिलाफ बताया है, क्योंकि भारत के तुष्टीकरण का वोट इजराइल के खिलाफ है, हमास के साथ है, हमास को आतंकी संगठन नहीं मानता। ऐसे समय में दुश्मन देशों की यात्रा, पूरी पोल पट्टी खुलने की है। 2024 के चुनाव के बाद जो कोहराम मचना है देश विरोधियों का, उस लिस्ट में एकाएक सब कुछ नहीं होता। न्यूज क्लिक पर एकाएक सब कुछ नहीं हुआ, न्यूज क्लिक के दलाल यूं ही नहीं पकड़े गए हैं, और उनको पुलिस कस्टडी 7 दिन की हो चुकी थी, फिर 9 दिन की कस्टडी, जो मतलब 15-20 दिन जेल में रहने के बाद फिर उठाया गया है न्यूज क्लिक के दलालों को, इसके सामान्य मामले नहीं, मायने नहीं। तब ये समझ में आ रहा है कि न्यूज क्लिक के माध्यम से बहुत सारे साक्ष्य लिखे हैं, किस केस से कौन सा केस खुलता है ये आपको सब कई बार हमें समझ में नहीं आता। केजरीवाल बहुत कूद रहा था कि संजय सिसोदिया ही तो जेल गया, क्या हो गया, टकला जेल गया, रहेगा टकला जेल में, लेकिन संजय सिंह के जेल जाने से केजरीवाल कैसे परेशान हुआ है ये समझना जरूरी है। आज मैंने इसका एक वीडियो विश्लेषण हमारा है एक इंटरव्यू के साथ, द व्यूज मीडिया पर डालूंगा अभी 1:30 बजे के आसपास, उसे जरूर देखिएगा कि केजरीवाल क्यों परेशान है, तब आपको समझ में आएगा कि एक एक चीजें क्लियर हो रही है। भारत के लिए सुखद समय आ रहा है, देश विरोधी
लुटेरों के ऊपर कार्रवाई, लेकिन उज्बेकिस्तान की भारत यात्रा राहुल गांधी के लिए परेशानी का सबब बन गया है। क्यों शाह की टेढ़ी नजर है, आपको साफ समझ में आ गया होगा इस वीडियो विश्लेषण से कि क्यों एएनआई की टीम रंगे हाथ एक तरह से पकड़ लिया, इसका जवाब अब देना पड़ेगा। ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा, इसके कंटेंट यदि आपको पसंद आए वीडियो को लाइक और साझा जरूर कीजिएगा। आपके साथ एक बहुत प्यारा वीडियो शेयर कर रहा हूं, हमारे एक पुराने व्यूअर्स हैं ओम प्रकाश जी, उन्होंने एक व्हाट्सएप करके एक वीडियो साझा किया, बहुत प्यारा लगा। उनके पोता को देखिए उन्होंने क्या कुछ लिखा है, उनके पोता को भी आप देखिएगा, नन्हे मुन्ने को। ओम प्रकाश जी लिख रहे हैं, अच्छा ये लिंक जो है मुझे लगता है थोड़ा सा आज वीडियो कमजोर है शायद संभवतः, ये देखिए ओम प्रकाश जी ने लिखा है कि मनीष जी मैं और मेरा 2 साल का पोता आपके हर वीडियो का रेगुलर दर्शक है और आपके फैन है। आपका हर वीडियो की शुरुआत नमस्कार कैसे हैं आपके अभिवादन से मेरा पोता भी संस्कारित हो गया है। तो ये वीडियो जो है इस नन्हे साथी का मैं इसीलिए साझा कर रहा हूं, जरा देखिएगा इसे। तो इस नन्हे साथी को बहुत बहुत प्यार, बहुत दुलार। ये भाई साहब जो हैं ये हमारा रेगुलर व्यूअर्स हैं और हमारा जो है हमारी मिमिक्री भी करते हैं, तो इस मिमिक्री करने वाले इस शानदार कलाकार को, इस नन्हे साथी को ढेर सारा प्यार। ओम प्रकाश जी बहुत बहुत आभार, इसीलिए मैंने अपने सोशल मीडिया पर भी साझा किया हुआ है, अपने ट्विटर पे और फेसबुक पर भी, मुझे बहुत प्यारा लगा। और आमतौर पर मैं कहता हूँ कि मेरे ज्यादातर व्यूअर जो है सीनियर सिटीजन हैं, एक ये महा सीनियर साहब हैं, इनको ढेर सारा प्यार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। वंदे मातरम, जय हिंद।